गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस न्यू दिल्ली के डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में SRF की पोस्ट के बारे में। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी MSc डिग्री इन एग्रीकल्चर विद 4 ईयर बैचलर डिग्री। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग फील्ड एक्सपेरिमेंट एंड वेल फर्स्ट विद सॉयल एंड प्लांट न्यूट्रेंट एनालिसिस, नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा। मैं यदि कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। SRF की पोस्ट के लिए 31,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। अपर एज की बात करें तो 35 ईयर है, यानी 35 साल से कम उम्र वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को आप 6 मार्च से पहले इस लिंक पर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ये फॉर्म इस प्रकार से खुल करके आएगा IRI की वेबसाइट पर। तो आप तो इस फॉर्म को फिल कर देंगे, यहाँ पर कैंडिडेट नाम आ जाएगा, यहाँ कैंडिडेट का फादर नेम आ जाएगा, कैंडिडेट किस कैटेगरी से, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अपना पूरा फॉर्म इसको फिल करने के बाद में IRI ने ये नया सिस्टम लागू किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप उसकी वेबसाइट पे जाकर के फिल कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन जो भी उसके साथ अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगा करके आप यहाँ पर एड फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो यहाँ से आप उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए जो कि IRI के डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में निकली हुई है, आप 6 मार्च से पहले सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इन्फॉर्म करा दिया जाएगा बाई मेल या फोन। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 10 मार्च को IRI के डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप SRF की पोस्ट के लिए IRI के डिवीजन ऑफ एग्रोनॉमी में 6 मार्च से पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट पोस्टपोन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।